जानकारी के लिए किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए अंबाला से। विपिन परमार, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, हालात किस तरह के? देखिए बिल्कुल, पहली जो शंभू बॉर्डर पे जो पहली बैरिकेडिंग थी उसको तोड़कर जो है किसान आगे बढ़ चुके हैं। हाँ। और ऐसे में दिल्ली कूच का जो आह्वान किया गया था वो किसान जो है एकत्र यहाँ पर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार एक लाइन कतारबद्ध होकर जो है ट्रैक्टर्स को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी पंजाब की तरफ से जो है वो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि जैसे जैसे ये काफिला हरियाणा की तरफ बढ़ता जाएगा, हाँ। हरियाणा जुड़ते जाएंगे, पुलिस की ओर से कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था और रोकने का शंभू बैरियर पर। आप देख सकते हैं कि चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, हर तबका किसानों का, महिलाएं भी तमाम यहां पर पहुंचे हुए हैं और मांग एक ही है कि तीन काले कानून जो किसान कह रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। ऐसे में लगातार सरकार की ओर से प्रयास ये किया गया कि उनकी बारीकियां समझाई जाए कानूनों की, लेकिन फिलहाल की बात यह है कि किसान जो है वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसान लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि कानून जो है वो वापिस होने चाहिए। ऐसे में अलग अलग संगठन है, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, अंबाला शंभू बैरियर यानी कि हरियाणा में ये गाड़ियां जो है वो एंटर कर चुकी हैं। और ऐसे में अब कुरुक्षेत्र, फिर करनाल और उसके बाद पानीपत, सोनीपत, अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग्स हैं, लेकिन फिलहाल की बात यह है कि अंबाला की बैरिकेडिंग जो है उसे तोड़कर जो है वो आगे निकला जा चुका है। लंगर व्यवस्था आप देख सकते हैं कि तमाम स्थानीय लोग भी जो है लगातार किसानों के लिए जो है वो लंगर पहुंचा रहे हैं, अपना सामान बांधकर जो है किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती अब जो है वो हरियाणा के लिए तो है ही है, लेकिन दिल्ली के लिए भी बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में इतनी संख्या में जब किसान पहुंचेंगे, हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज के माध्यम से जो है वो पहुंच रहे हैं। वही दूसरी और आप देख सकते हैं कि रोड बंद है, तो ऐसे में जो लोग हरियाणा जाना चाहते हैं वो पैदल ही अपने गंतव्य की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो यातायात के साधन है वो नहीं मिल पा रहे। ऐसे में ये लगातार ट्रॉलीज और गाड़ियां जो है वो जो मेन बैरिकेटिंग तोड़ी गई, जिसका इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखा रहा है, पहुंचा रहा है। ऐसे में वो बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद जो है वे किसानों के ये ट्रैक्टर्स और ये तमाम गाड़ियां हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं, और यहाँ पर उन्हें खड़ा किया गया है ताकि तमाम जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं उनको उस बैरिकेटिंग से निकाला जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, यहाँ पर खड़े होकर जो है तमाम गाड़ियों को एक जुट किया जा रहा है ताकि एक साथ ही काफिला जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ाया जाए जी। हाँ, लेकिन विपिन परमार, अभी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि पहले साफ कर दिया गया था कि देखिए एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद हालात जिस तरह से बनते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, तमाम सुविधाएं की गई थी इन हालात को काबू करने की दिशा में, वो भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे जरूर थे, लेकिन किसान जो हैं उनकी ओर से जिस तरह से जो कहा गया था कि दिल्ली कूच करना है उसको कहीं ना कहीं सफल करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली की ओर तमाम किसान जो है बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक एग्रेशन देखने को मिला, कहीं ना कहीं टकराव की परिस्थितियां भी पैदा हुई। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग किसान जो है वो पैदल ही जो है वो दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की अलग अलग जगहों पर जो है बैरिकेडिंग्स की गई हैं, वहां पर भी इन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बनी, लाजमी सी बात है एक गुस्सा है किसानों के अंदर, और वो गुस्सा यहां पर देखने को भी मिला कि बैरिकेड्स को तोड़कर जो है जो सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए थे जो कि कई टन के होते हैं उनको हटाया गया, ट्रक्स लगाए गए थे रोड के बीच में उन्हें धकेल कर साइड किया गया, बुलडोजर्स को साइड कर तकरीबन 7 लेयर जो प्रोटेक्शन दी गई थी यहां पर रोकने की उसको पूरी तरह से निस्तोनाबूद कर जो है किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर्स को भी सील किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो इंतजाम थे वो नाकाफी से नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार ट्रॉलीज और गाड़ीज का दस्तूर है वो हरियाणा में एंट्री जो है वो लगातार हो रही है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो किसान करनाल में भी जो है मैं पंजाब की तरफ से ही यहां पर पहुंचा हूं, जगह जगह पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज देखने को मिल रही थी, लगातार किसान पंजाब के अलग अलग इलाकों से दिल्ली की तरफ जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अंबाला की जो सरहद है उसको पार कर लिया गया है, और अब अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, और पानीपत के बाद सोनीपत, यानी कि कुंडली बॉर्डर, दिल्ली का वो बॉर्डर। ऐसे में
तीन चार और बैरिकेडिंग इन किसानों को देखनी पड़ेंगी, वहां पर देखना होगा, क्योंकि किसानों का ये कहना था कि जहां बैरिकेडिंग मिलेगी वहीं बैठ जाएंगे। ऐसे में तमाम व्यवस्था लेकर किसान जो है साथ चले हैं, राशन साथ में लेकर चले हैं, बस एक ही बात है कि हाँ हमको जहां रोका जाएगा हम वहीं बैठकर अपना विरोध जो है वो जताने लग जाएंगे। हाँ, लेकिन विपिन परवार, इस वक्त आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर आप देख रहे हैं आपके आसपास भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, आगे के हालात को देखते हुए किस तरह की तैयारियां उनकी है और आगे की रणनीति क्या कुछ उनकी तरफ से बनाई गई है। देखिए बिल्कुल, कई किसान हैं हमारे साथ, आपको अंबाला में रोका गया है, आगे करनाल में भी रोका जाएगा, पानीपत में भी रोका जाएगा, क्या रणनीति है अब आप आगे की? भाई हम गड्डी बोल देने का। अच्छा, यहाँ आपका मास्ट कारण गए जी, अपना दिल्ली जाने रोज मजहरा कारण वो की मास्ट का बी जी ये हरियाणा सरकार साढ़े मूहे रोड़ा बन के खड़ गई, असं आपके रास्ते में जाने शांतमय तुरे जाने, पर इन्होंने ये सरकार ने जान के ये बैरियर बंद करता। उस नंबर दो खोदा मोदी, असी उसके नाल लड़ाई लड़नी लड़नी आ, क्योंकि जे थानू अंबाले रोकया गया हूँ अगे करनाल रोकया जाऊगा, कुरुक्षेत्र भी रोकया जाऊगा, रोका कुछ नहीं जाना, इन्होंने हाथ कंडे बहुत वरतने, इन्होंने गुरुआ के बच्चे भी इन्होंने जो चिणते थे, तो फिर बंदा सिंह बहादुर ने सरहद ना एट ने एट खड़काती जो असी जथेबंद हो गए, मोदी जी की ताकत भी साढ़िया जमीन च बढ़ जू, देख सकते हैं कि एग्रेशन है, गुस्सा है। हाँ। और इनका यही कहना है कि हमें जब रोका जाएगा तो हम जो है कहीं रुकने वाले नहीं है और दिल्ली पहुंचकर, दिल्ली तक ये कूच है और दिल्ली जाकर ही ये कूच जो है वो समाप्त होगा। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि किसान हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे विपिन परमार, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, काले कानून, बात सुनो।